हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अनिल पटेल फ्रॉम योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम में सेमिस्टर फर्स्ट में अकाउंटेंसी, यूनिट नंबर था थर्ड, चैप्टर नंबर फोर्थ, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर थर्ड। आज आपको देखना है मई 2013 में जो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आ चुका है वो एग्जाम्पल। यदि आपके पास पेपर सेट है, यूनिवर्सिटी पेपर सेट, तो पेपर सेट में देख सकते हैं आप मई 2013 का पेपर। आपके पास यदि पेपर सेट नहीं है तो आपको क्या करना है, मैंने क्लास में से आपको रिवीजन पैम्पलेट दिया है जो यूनिवर्सिटी पेपर सेट का है वो, उसमें आपको देखना है पेज नंबर 29 पे एग्जाम्पल नंबर फोर्थ हम करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर फोर्थ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो देखना है। चलो निकालो पेज नंबर 29 पे एग्जाम्पल नंबर 4, 12 मार्क्स का एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल, पारस ट्रेडर्स मेंटेन हिज लेजर ऑन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम हिज बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, मगर आपको ये देखना है आपको कौन सा अकाउंट बनाना है। नीचे देखिए, प्रीपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर, आपको बनाना है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट यानी कि डेटर्स अकाउंट। याद रखिए आपको बनाना कौन सा अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे होगा ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स, सेल्स यहाँ पे है तो सेल्स रिटर्न, सेल्स के सामने बिल्स रिसीवेबल रिसीव, सेल्स के सामने कैश चेक रिसीव, सेल्स के सामने डिस्काउंट अलाउड, सेल्स के सामने बैड डेट्स, ये सब यहाँ पे आएगा, याद रखिए। सिमिलरली दूसरा कौन, एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, आज सेकंड बनाना है आपको क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे भी क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज, परचेज है यहाँ है तो परचेज रिटर्न यहाँ पे होगा, परचेज के सामने कैश एंड चेक पेड यहाँ पे होगा, परचेज के सामने डिस्काउंट रिसीव भी यहाँ पे होगा, परचेज के सामने बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड भी यहाँ पे होगा, याद रखिए ये इम्पोर्टेंट है। इन जनरल लेजर, जनरल लेजर में आपको ये दो अकाउंट बनाना है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट एज वेल एज क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। एंड देखिए आगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर, यहाँ पे डेटर्स लेजर में सेकंड अकाउंट आपको बनाना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट यानी कि ये अकाउंट को आपको पलटना है, एंड क्रेडिटर्स लेजर में भी आपको बनाना है इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि ये अकाउंट को पलटना है, यानी कि 2+2 आपको बनाना है टोटल 4 अकाउंट। तो चलो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको देखना है, पहले मैं ये दो अकाउंट बनाऊंगा बाद में उसको हम पलट लेंगे। सबसे पहले आपको दिया है डेटर्स बैलेंस 1st of April 2012 यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, सेल्स यहाँ पे है तो डेटर्स का बैलेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है, क्रेडिटर्स का बैलेंस यहाँ पे होगा। नेक्स्ट वन क्रेडिट सेल्स, सबको याद होगा यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज यहाँ पे होगा क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट देखिए बिल्स रिसीवेबल रिसीव, सेल्स के सामने होगा यहाँ पे होगा बिल्स रिसीवेबल रिसीव, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, सेल्स के सामने होगा चेक रिसीव यानी कि बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, परचेस के सामने होगा यहाँ पे होगा बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर यानी कि क्रेडिटर्स, इट इज परचेस रिटर्न, परचेस के सामने यहाँ पे होगा गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर यानी कि डेटर्स, डेटर्स ने रिटर्न किया है, इट इज सेल्स रिटर्न, सेल्स के सामने यहाँ पे होगा गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, याद रखिए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इज रिलेटेड टू ओनली डेटर्स, तो सेल्स के सामने यहाँ पे होगा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो भी डेटर्स के सेल्स, सेल्स के सामने यहाँ पे होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, परचेस के सामने यहाँ पे होगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स, डेटर्स को डिस्काउंट दिया है, सेल्स के सामने यहाँ पे होगा डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से डिस्काउंट आपको रिसीव्ड है, परचेस के सामने यहाँ पे होगा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, यहाँ पे है बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, तो डिसऑनर्ड कहाँ पे होगा, अपोजिट साइड यहाँ पे होगा। नेक्स्ट वन चेक डिसऑनर्ड, चेक रिसीव यहाँ पे है, चेक डिसऑनर्ड होगा अपोजिट साइड यहाँ पे लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड बैंक अकाउंट।
डिस्काउंट डिस अलाउड टू डेटर्स, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड है तो डिस अलाउड यहाँ पे हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स, डेटर्स पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है वो भी डेटर्स अकाउंट में होगा डेबिट। एंड ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू परचेस लेजर, ट्रांसफर सेल्स के सामने यहाँ पे होगा परचेस के सामने। चलो पहले हम दो अकाउंट बनाएंगे, बाद में ये अकाउंट को मैं रिपीट करूंगा, ये पूरा नहीं लिखूंगा, हाफ लिखूंगा, आपको सिर्फ देखना है मगर आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले डेटर्स बैलेंस दिया है आपको 225, यहाँ पे मैं लिखूंगा 225,000। क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको दिया है 150, यहाँ पे हम लिखेंगे 150,000। नेक्स्ट वन क्रेडिट सेल्स, ये रहा क्रेडिट सेल्स, आप सबको दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे होगा क्रेडिट सेल्स 215। नेक्स्ट वन कैश क्रेडिट परचेज, ये रहा आपका क्रेडिट परचेज 235, यहाँ पे होगा 235,000। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल रिसीव, सेल्स के सामने ही होगा, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट इज गिवन रुपीज, बिल्स रिसीवेबल 150, शायद 150 नहीं होगा, वहां पे थोड़ा गलती है, देखते हैं, फिर भी लिखता हूँ 150, मेरे को डाउट हो रहा है, फिर भी देखते हैं, आगे देखेंगे क्या है, 150 है या दूसरा कोई है। नेक्स्ट वन चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के आपको चेक मिला है 65,000, ये भी यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं चेक रिसीव, कितना आपको चेक मिला है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड आपको दिया है 150, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया है आपको 65,000। नेक्स्ट वन चेक बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, परचेस के सामने होगा बिल्स पेएबल, ये आपने एक्सेप्ट किया है तो आपके लिए हो गया बिल्स पेएबल, ये हो गया बिल्स पेएबल 1,75,000। नेक्स्ट वन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को आपने रिटर्न किया है, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स, शॉर्ट में लिखता हूं गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, यानी कि परचेज रिटर्न है आपका 7,500। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया है यानी कि सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स दिखाई दे रहा है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, कितना है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, मेरे को दिखाई दे रहा है 5,000, इट इज सेल्स रिटर्न, ये है परचेज रिटर्न। नेक्स्ट वन बैड डेब्ट्स रिटर्न, ये भी सेल्स के सामने होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, कितना रिटर्न ऑफ है बोलिए 15,000। नेक्स्ट दिया है आपको कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से आपको कैश मिलती है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, यानी कि कैश रिसीव्ड है, कितना कैश मिला है आपको 125। नेक्स्ट वन कैश पेड टू क्रेडिटर्स, परचेस के सामने आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, इसका मतलब है कैश पेड, कितना पेमेंट किया है आपने 75,000। नेक्स्ट वन कैश डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स है 5,000, आपने कैश डिस्काउंट दिया है 5,000। कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो परचेस के सामने होगा, यहाँ पे लिखेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड कितना रिसीव्ड है 2,500। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड यहाँ पे है तो डिसऑनर्ड यहाँ पे होगा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कितना डिसऑनर्ड हुआ है 35,000। नेक्स्ट वन चेक डिसऑनर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आपको लिखना है चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, कितना डिसऑनर्ड हुआ है चेक देखिए 15,000। नेक्स्ट वन डिस्काउंट डिसअलाउड,
डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे है, ये रहा डिस्काउंट, डिस अलाउड यहाँ पे होगा, डिस्काउंट डिस अलाउड। बोलिए कितना है डिस अलाउड, मेरे को दिखाई दे रहा है 1500। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर, ये भी डेटर से अकाउंट में होगा, डेबिट इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स, डेटर्स पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है 500। एंड लास्ट वन ट्रांसफर, दैट इज सेट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू परचेस लेजर, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स के सामने ट्रांसफर, कितना है ट्रांसफर 12500। ट्रांसफर की दूसरी फेक होगी परचेस के सामने, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांसफर 12500। अब मैं अकाउंट सबसे पहले क्लोज करूंगा, सबसे पहले डेटर्स लेजर, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 225 प्लस 225000 प्लस 215000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 1500 प्लस 500, टोटल हो जाएगा आपका 492,000। एग्जैक्ट सामने आपको लिखना है 492। इसमें से लेस करना है माइनस 150, माइनस 65,000, माइनस 5,000, माइनस 15,000, माइनस 125, माइनस 5,000, माइनस 12,500, डिफरेंस आपको मिलेगा 114,500। ये है आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी के क्लोजिंग बैलेंस। देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं 225 प्लस 215 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 1500 प्लस 500, बाद में 150, 65, 5000, 15, 125, 5000, 12, 500, बैलेंस आपको मिलेगा बराबर है। ओके, ये अकाउंट भी मेरे को क्लोज करना पड़ेगा, इसमें भी क्रेडिट ज्यादा होगा, तो क्रेडिट साइड सबसे पहले मैं टोटल कर रहा हूँ, वो आपको देखना है 150 प्लस 235, टोटल हो जाएगा 385। अपोजिट आपको लिखना है 385, एग्जैक्ट सामने 385,000। इसमें से ये सब आपको लेस करना पड़ेगा, माइनस 175, माइनस 7500, माइनस 75,000, माइनस 2500, माइनस 12,500, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 112,500। ये है आपका टू बैलेंस कैरी डाउन। अब देखते हैं, एक बार चेक करते हैं 150, 235, 385 में से 175, 7500, 75,000, 2500, 12500 एंड 112500 बराबर। अब मैं पहले ये अकाउंट बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जगह ज्यादा है, इसलिए इन क्रेडिटर्स लेजर देखिए, क्रेडिटर्स लेजर में आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, जनरल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट, ये है आपका क्रेडिट साइड, यहां पे होगा डेबिट साइड। चलो सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। नॉर्मली क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट रहता है यदि आप क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो, बट क्रेडिटर्स लेजर में यदि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आप बनाएंगे तो क्रेडिटर्स का बैलेंस यहां पे डेबिट होगा, टू बैलेंस नॉट डाउन।
जो क्रेडिट है ये सब डेबिट हो जाएगा 150, और यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, मगर यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन दैट, यहाँ पे है क्रेडिट परचेज, हम लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट परचेज। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डैश है, यहाँ पे भी लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश, नहीं, और बाद में बाय क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन दैट, ये सब यहाँ जो डेबिट है आपको लिखना है क्रेडिट, सबसे पहले आपको दिया है बिल्स के ये बार 175। सेकंड वन है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न किया है आपने 7500। कैश अकाउंट यानी कि कैश पे टू क्रेडिटर्स, कितना पेमेंट किया है 75,000। नेक्स्ट वन कैश डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव ये आपको मिला है, कैश डिस्काउंट 2500 एंड ट्रांसफर 12,500 एंड बाद में मेरे पास जगह नहीं है ये बैलेंस 112,500 क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हो गया टोटल आपको करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे इन डेटर्स लेजर डेटर्स लेजर में कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये है आपकी डेबिट साइड, ऐसा अकाउंट होगा क्रेडिट साइड अमाउंट पर्टिक्यूलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिक्यूलर्स अमाउंट इन रुपीज। आपने कौन सा अकाउंट बनाया है जनरल लेजर, याद रखिए डेटर्स अकाउंट नहीं है, डेटर्स लेजर में आपने बनाया है जनरल लेजर अकाउंट, तो आपको बैलेंस पलट जाएगा। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता तो डेबिट बैलेंस लिखते, ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है डेटर्स लेजर में, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 225। यहाँ पे जो डेबिट है यहाँ पे लिखना है क्रेडिट, मगर लिखना क्या है बाय, ये जनरल लेजर में है तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन दैट, मैं सिर्फ वन लाइन यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिट सेल्स, सेल्स दिखाई दे रहा है सेल्स 215। बाद में ये जो है यहाँ पे जगह नहीं है, आपको लिखना है, आपको वर्क करना है, लिखना है सब क्रेडिट, और यहाँ पे जो क्रेडिट है वो क्या करेंगे हम, क्योंकि ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है तो यहाँ पे होगा डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट में डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है तो यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस क्या होगा, यहाँ पे है तो आपको लिखना है, नहीं है तो डैश लिख के नहीं लिखना है, और यहाँ पे टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन फैक्ट, यहाँ पे जो क्रेडिट है सबसे पहले दिया है बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट है 150। अब मेरे पास जगह नहीं है, ये सब आपको लिखना कहाँ पे है, यहाँ पर अकाउंट करना है क्लोज। एग्जाम में ज्यादातर आपको डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होंगे एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, 90% केस में यही आने वाला है, मगर चांस है कभी कभी ये लोग पूछते हैं एक साथ चार अकाउंट कुछ डालते हैं, तो आपको चार अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये बनाओ
ये बनाओ, बाद में इसके नीचे ये बना देंगे, यहाँ पे इसके नीचे आपको ये भी बनाना पड़ेगा। एग्जाम में यदि है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी एग्जाम में पूछते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ये लेक्चर जरूरत है तो आप दो बार देखिए, तीन बार देखिए, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस चैप्टर का। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, बाय बाय।